गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम होने वाले हैं UT1, तो आइए मैं आपको आपका UT1 का सिलेबस समझा देती हूँ। सब्जेक्ट हिंदी, UT1 सिलेबस एग्जाम 2020-21। देखिए आपकी जो पुस्तकें हैं, पहली है आपकी आरोह भाग फर्स्ट, जिसमें से आपका जो गद्य खंड है उसमें हमारा अभी एक ही चैप्टर हो पाया है, पाठ नमक का दारोगा। तो नमक के दारोगों में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बनके। फिर है काव्य खंड, पाठ कबीर और पाठ टू मीरा, कबीर और मीरा के दोनों में से क्वेश्चन आंसर्स बनके आएंगे। फिर अपना था वितान, जो सेकंड बुक है, वितान का जो पाठ था मैं आपको पढ़ा रही थी, भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर। और फिर है अनुच्छेद लेखन। तो ये आपका UT1 का पूरा सिलेबस है जो आपका UT1 के एग्जाम में आएगा। सो स्टूडेंट्स, एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं वो MCQ बेस में आएंगे, ठीक है। जो पैटर्न है वो MCQ है। तो आपको जैसे कि नमक का दारोगा है, इसके जो लेखक है प्रेमचंद, प्रेमचंद का आपको लेखक परिचय पढ़ना है, समझना है, साथ में चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि चैप्टर के में से ही क्वेश्चंस बन के आए हैं। ऐसी कबीर और जो मीरा है उसमें से भी आपको कबीर का जीवन परिचय यानी कि लेखक परिचय है, मीरा का जीवन परिचय है, और साथ में जो चैप्टर्स मैंने आपको इनके काव्यांश को समझाया है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आपको जो ये चैप्टर है वितान का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इनका जो चैप्टर है इसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। साथ में आपका अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन में आपको मैंने लास्ट वीडियो में अनुच्छेद लेखन की सावधानियां बताई थी कि आपको अनुच्छेद लेखन लिखते समय कौन कौन सी सावधानियों को प्रयोग करना है, समझना है, तो उनको एक बार उसमें सरसरी से आप नजर मार लेना। तो आपका ये सारा पैटर्न है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, MCQ पैटर्न में आपका एग्जाम में आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था वितान, ये हमारा किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं आज आपको ये चैप्टर कंटिन्यू कराती हूँ। देखिए ये आपकी जो है वो वितान की बुक है, वितान की बुक है, और इस वितान की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी वितान की बुक खोल लीजिएगा जब आप ये वीडियो देखें और समझ लीजिएगा। देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और इनके जो लेखक हैं वो हैं कुमार गंधर्व जी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन समझा देती हूँ कि इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था शुरू में, कि जो लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, जब वो एक बार बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो घर पर बैठे हुए आराम कर रहे होते, तो रेडियो में अचानक से बहुत ही मीठी और मधुर आवाज में गाना बजने लगता है। फिर उनको जाके पता चलता है कि ये गाना किसका है, कौन है इनकी सिंगर यानी कि गायिका, लता मंगेशकर, ठीक है। फिर उसके बाद जो गायक हैं, जो आपके लेखक हैं, वो आपको बताते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है वो कैसा होता है, और हमारी जो सिनेमाओं का संगीत होता है वो कैसा होता है, इस बारे में सारी चर्चा होती है, कि वो बताते हैं चित्रपट संगीत किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन सी गायिका, नूरजा जो थी वो गायिका हमारे उस समय आई थी, किस तरह से गाना गाया था। फिर वो लता जी के बारे में बताते हैं कि लता जी किस तरह से गाती थी और उनके गाने का प्रभाव हमारे आम लोगों पर किस तरह पड़ता था, कोई भी घर के सदस्य या बाहर के जो पड़ोस के आसपास के बच्चे सुनते थे वो उनके संगीत को किस प्रकार से गाते थे, गुनगुनाते थे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो पहले के पेरेंट्स थे वो इतना शायद ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर आज के जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान देते कि हमारा बच्चा अच्छी सिंगिंग कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी ट्रेनिंग दिलाते हैं ताकि हमारा बच्चा फ्यूचर में कर सके। अर्थात उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी संगीत के बारे में। अब उन्होंने आगे से मैं आपको समझाती हूँ जहां हमने अपना चैप्टर अपना खत्म किया था। देखिए लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लेखक हमें आगे समझा रहे होते हैं कि जो लता जी गाना गाती हैं उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेषता ये है कि उनका जो मर्म है अर्थात उनकी आवाज में, अगर वो सैड गाने गाती हैं, दुख भरे गाने गाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज से वो दुखपन मर्मता झलकती है, लोग उसको महसूस करते हैं।
उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजा भी एक अच्छी गायिका थी। लेखक जो है वो ये भी बता रहे हैं कि उससे पहले जो गायिका थी नूरजा वो भी बहुत अच्छी गायिका रह चुकी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, दो राय नहीं है। तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, अर्थात यानी कि काफी ज्यादा उत्तेजित गाने हुआ करते थे उनके, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। लता जी के जो गाने होते थे वो बहुत ही सरल और कोमल स्वभाव के होते थे, यानी कि वो सुनने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा फील करता था। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वहीं उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो बताते हैं कि किस तरह से वो जीवन को किस दृष्टिकोण में देखती थी। एक होता है ना अपना नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है और पॉजिटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है। अपनी अपनी विचार धारणाएं होती है, लोगों का देखने का जो नजरिया होता है, तो लता जी का देखने का नजरिया बहुत अच्छा था। इस प्रकार से वो बहुत अच्छा सोचती थी और अच्छा ही गाती थी। संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना था उतना नहीं किया। देखिए लास्ट मैंने आपको यही समझाया था, मैं पीछे से इसलिए समझा रही हूँ आपको, थोड़ा सा आपका रिमाइंड हो जाएगा। देखिए जो डायरेक्टर निर्देशक वगैरह होते हैं उनसे जो गाना वाना गाते थे तो शायद उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, उनकी जो विशेषता थी, लेकिन शायद उन लोगों ने उनको इतना अवसर प्राप्त नहीं किया कि वो उसको और ज्यादा निखार पाए और ज्यादा अच्छे काम कर पाए। लता के गाने की एक विशेषता है कि उसका नादपय उच्चार, उसके गीत के कहीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलपन द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लता जी की जो विशेषता है गाना गाने की, वो क्या करती थी कि किस तरह से स्वरों को उन्हें ऊंचाई पे ले जाना है, गाते समय किस तरह से उनको स्वरों में अंतर रखना है, किस तरह से स्वरों को धीमी आवाज में प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, और ऐसा फील होता था कि जब वो गाना गाती थी तो जो अलग 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 काबिल नहीं है, ऊंचाई में निचाई में स्वर लगाती थी तो कहीं ना कहीं वो स्वर आपस में एक दूसरे में विलीन हो जाते थे, अर्थात एक दूसरे में समा जाते थे। ये बात पैदा करना कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ये बात बहुत मुश्किल होती है कि आप किस तरह से अपना काम करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपको ये लता जी के लिए बहुत ही आसान थी ये बात। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। देखिए लेखक हमें बता रहे हैं कि जो लता जी गाना गाया करती थी उसमें करुण रस, करुण रस का मतलब होता है आप सभी जानते हैं दुख से भरा हुआ है ना, जो भाव आते हैं उसमें उस भाव को बड़ी प्रभावशीलता के साथ गाया करती थी। एक रीति थी उनके पास, एक ऐसा योग्यता था कि उस गाने को बहुत अच्छे से हमें समझाती थी, व्यक्त करती थी शब्दों में गाकर। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती, लेकिन वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरा अपना खुद का मत यह है कि लता के करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया गया है, बजाय इसके अर्थात वो जितना दुख भरे गाने गाती थी, सैड सॉन्ग गाती थी, शायद उनके उन गानों के साथ इतना न्याय नहीं हो पाया है। मूर्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत तल के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, अर्थात जो मधुर स्वर के गाने होते हैं वो लता जी ने बहुत ही अच्छे से गाए हैं, बड़ी मधुरता से गाए हैं, उसमें लय सुर ताल ये सारी चीजें बहुत अच्छे से गई, अर्थात कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बड़ी तेज स्पीड्स में गाए जाते हैं। मेरी दृष्टि में से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। जो लेखक जी हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनकी तरफ से जो गाने हैं, लता जी जो गाना गाती थी कहीं ना कहीं उसमें उनको कमी लग रही है, लेकिन वो कहती हैं कहीं ना कहीं उसमें लता जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए डायरेक्टर जो होते हैं या प्रोड्यूसर जो होते हैं निर्देशक, वो जिस तरह से गाने गवाते हैं हम संगीतकारों से, तो शायद कहीं ना कहीं उसी तरह से वो गाती है, कुछ चीजें अपने हाथों में नहीं होती है। संगीत निर्देशकों का दोष कितना है ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, ऊंची पट्टी का मतलब होता है बच्चों ऊंचे स्वरों में रहता है, अर्थात लता जी का गाना काफी ऊंचे स्वरों में रहता है।
गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। कई बार जो संगीत दिग्दर्शक होते हैं, संगीत दिग्दर्शक यानी जिनको संगीत का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, संगीत के गुरु, कई बार वो क्या करते हैं अपने शिष्यों से जो गाने होते हैं कई बार बहुत ही अकारण चिल्लवाते हैं, गानों में काफी ऊंचे सुर लगवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अकारण ही चिल्लवाना हो जाता है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, लेकिन जो लेखक हैं आगे देखे कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ऐसा क्या है कि लता से ऐसा कौन सा प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हम लता जी से कौन सा गाना गवाएं। शास्त्रीय संगीत में या क्या शास्त्रीय संगीत की नॉलेज है लता जी को? मेरे मत से प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। साथ में हमें वो खुद ही जवाब दे रहे हैं लेखक कि मेरे ख्याल से ये प्रश्न करना बेकार है कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का कितना योगदान है या उनको उस बारे में कुछ भी पता है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। देखिए आप ही जानते हैं हर चीज का अपनी अपनी जगह महत्व होता है, कोई भी एक दूसरे के साथ टकरा नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है और साइंस ले लीजिए, तो दोनों की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। साइंस अगर है तो वो अपनी जगह इम्पोर्टेंस होता है और हिंदी है जो वो अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपना अपना महत्व होता है। शास्त्रीय संगीत का अपनी तरफ महत्व है, तो कहीं ना कहीं चित्रपट संगीत का भी अपनी तरफ महत्व है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दले और चंपलदार चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। देखिए आप लोगों ने जो शास्त्रीय संगीत है वो भी सुन रखा होगा। शास्त्रीय संगीत में क्या होती है, स्थायी भाव होते हैं, एकदम गंभीरता होती है। मतलब जैसे हमारे जो गाने होते हैं फिल्मों के, उसमें क्या होता है, उसमें चंचलताएं होती है, हंसी मजाक होता है ना, इस तरह से खूबसूरती से वो गाने पड़े होते हैं। लेकिन जो आपके शास्त्रीय संगीत है, वैसे तो आप शास्त्रीय संगीत का अपना भी महत्व है, लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं वो शास्त्रीय संगीत कम पसंद आता है। उनको ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत जो है काफी बोरिंग होता है, तो उसमें गंभीरता है ना, एकदम सहज माने सरलता, मतलब उसमें लोग ऐसा लगता है कि एकदम, अगर अपना अपना कहते हैं चॉइस होती है, आपको पसंद कोई शास्त्रीय संगीत आता है, किसी को फिल्मों का संगीत पसंद आता है। तो वो कह रहे हैं कि चित्र संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। आगे वो कह रहे हैं शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। परिष्कृत का मतलब होता है यानी कि उसी रूप में जो है, लेकिन आप जो आजकल देखते हैं जिस तरह से गानों को चेंज करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शास्त्रीय संगीत ऐसा नहीं है कि आप उसमें अलग डाल दो, अलग तरीके से म्यूजिक बजा दो, तो सबकी अपनी अपनी राग ताल ये सारी चीजें होती हैं। उसकी लय कार्य बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए जो चित्रपट संगीत होता है हमारा, उसका जो म्यूजिक है ना, उसके जो बोल हैं, स्वर ताल है, वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सरल है, उसको हर कोई गा सकता है। मेरे ख्याल से जो पिक्चरों के गाने आते हैं, मूवीज के आप सुनते हैं या एल्बम वगैरह आती है, शायद हम सब गुनगुना लेते हैं, बच्चे भी गा लेते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है वो काफी डिफिकल्ट होता है और उसको हर कोई गुनगुना नहीं सकता। सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है, तथापि सुलभता, सुलभता यानी कि लोच, देखिए यानी कि सुलभता यानी सरलता, अगर हमारे जो मूवीज के गाने हैं उनको हम बहुत ही सरलता के साथ गा सकते हैं और बड़ी ही उसमें लोच अर्थात परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसको प्रथम स्थान, एकदम अग्रणी स्थान दिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत से आगे हमारा फिल्मी संगीत यानी चित्रपट संगीत रहा है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेखक आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम चित्रपट संगीत को गाते हैं तो हमें उससे ज्यादा हमें उसका शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी होनी चाहिए, और वह लता के पास निश्चय है। लेखक कह रहे हैं कि वो जो जानकारी है वो लता के पास निश्चय है। 3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए जो हमारा चित्रपट संगीत का जो गाना होता है वो 3 या 3.5 मिनट का होता है,
फिर से सुनिएगा, जो चित्रपट संगीत है हमारे उनका जो गाने होते हैं मूवीज के वो 3 या 3.5 मिनट के होते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो होता है वो 3.5 घंटे का होता है ना, 3-3.5 घंटे का होता है शास्त्रीय संगीत। समझ में आया अंतर दोनों में? लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं आनंद की प्राप्ति तो हमें समान ही होती है, उस गाने से भी हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है और कहीं ना कहीं हमें शास्त्रीय संगीत से भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, अर्थात दोनों का मूल्य एक ही है ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुशाबित का या नन्हे सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। देखिए इसका अर्थ यह है कि अगर कोई विस्तृत लेख हमारे जीवन को, हमने किसी राइटर का कोई लेख पढ़ लिया, काफी विस्तृत है वो, और उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ा, और कभी ऐसा होता है कोई छोटी सी बात हमने सुन ली तो उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारा सिर्फ अर्थ इतना है कि हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हमें कितना पता लग रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। देखिए लेखक हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 3.5 मिनट का शास्त्रीय संगीत हम लोग सुनते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो आनंद है हमें लता जी के गाए हुए 3.5 मिनट के गाने में सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, महसूस करने को मिल जाता है, अर्थात वही 3.5 मिनट का जो काम है वो हमें कहीं ना कहीं 3.5 मिनट में मिल जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। लेखक कह रहे हैं कि उसका जो गाना है कहीं ना कहीं संपूर्ण कृति का होता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि की जो स्वर है, लय है, शब्दार्थ है, वहां त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि स्वरों का, लय का और शब्दों का त्रिवेणी संगत। अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं रहेंगी और इससे संगीत ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनके बिना हम संगीत को पुरो ही नहीं सकते, एक रूप में प्रस्तुत कर ही नहीं सकता। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अगर शास्त्रीय संगीत में भी कुछ ऐसा ना हो तो कहीं ना कहीं वो हमें देखने में नीरस लगेगा, बेकार लगेगा, अनाकर्ष प्रतीत होगा और उससे कुछ कमी सी प्रतीत होगी, यानी कि आकर्षण या आकर्षण से ही व्यक्ति लोकता है, अर्थात एक उस तरफ चलता है, तो आकर्षण उसको कहीं ना कहीं नहीं होगा तो बेकार लगेगा। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष के कारण नहीं है, लेकिन जो ये गानपन है वो कहीं ना कहीं अगर उसमें नहीं होगा तो हमारा जो गाना है वो हमें सुनने में, शास्त्रीय संगीत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और गाने की जो सारी मिठास है, सारी ताकत है, वो सारी चीजें सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज तक का जो चैप्टर था, मैंने समझाया था, कल मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी।